हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। समीर, सचिन, निधि, राखी, सपना जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा जी, अभी थोड़ी देर पहले ही आपके स्कूल से एक मैसेज आया जो मुझे आप लोगों को ट्रांसफर करना है एज ए क्लास इंचार्ज। जो भी बेटा जी इस साल न्यू एडमिशन है आपके आरपीएस स्कूल में बेटा जी आपका, और आपके डॉक्यूमेंट्स अगर स्कूल के पास सबमिट नहीं है तो प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स स्कूल में एज सून एज पॉसिबल जमा कीजिएगा, क्योंकि दो दिन बाद आपका 12th क्लास का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है बेटा जी। आपका सीबीएसई बोर्ड में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है बेटा जी, तो स्कूल के पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंचाइएगा। एंड क्रिस जी, आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे तो मैंने पहुंचा दिए उन्हें, और बाकी बच्चे जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है स्कूल के पास में, अपने डॉक्यूमेंट्स एज सून एज पॉसिबल पहुंचाइएगा बेटा जी स्कूल में, क्योंकि वो जरूरी है आप लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा जी। ओके, चलेगा, बातें करते अपने पढ़ाई की बेटा जी। तो आप लोगों ने बेटा जी कल का क्लास देखी आपने वीडियो, तो क्या कोई दिक्कत आई क्लासिफिकेशन में अभी तक आप लोगों को? या आपने जैसे पूछा सर हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, तो हम उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई करते हैं। पॉइंट आता है कि यहाँ पे सर जब हमने उनको क्लासिफाई किया तो हम ये देखते हैं कैसे इवोल्यूशन हमें समझ में आता है कि सबसे पहले टेडोफाइट किस करेक्टर के आए और बाद में उनमें कैसे कैसे इवोल्यूशन होकर आगे बढ़ा। कल मुझसे डाउट पूछा गया कि सर ये कोन क्या होता है, स्टोरोबिलस क्या होता है, क्या सोरस को और सोराई को ही हम स्टोरोबिलस कहते हैं? कल आप लोगों ने डाउट भेजा मेरे पास में, तो मैंने आपको बताया है बेटा जो उस वीडियो क्लास में स्टोरोबिलाई कोन डिफरेंट चीज है बेटा जी यहां पे। बट बेटा जी यहां पे आपका जो भी आपने वर्ड पढ़ा है सोरस और सोराई, वो अलग वर्ड है। यहां पे उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उनके इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में, उनके डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में हमने पढ़ रहे हैं बेटा जी। यहां पे ऐसे कोई एक बेसिस नहीं बताया कि हम इस बेस पे उसे डिवाइड कर रहे हैं। हम उनके डेवलपमेंट और उनके करेक्टर्स को देख रहे हैं कि उनमें अलग अलग, हमने एक जैसे करेक्टर को एक जगह रखा है बेटा, तो हम उनके ओवरऑल करेक्टर्स के बेसिस पे उन्हें अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर रहे हैं बेटा जी। चंद्रा जी वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा जी आपको वहां रजिस्ट्रेशन के लिए भेजना है अपना जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है आपका बेटा जी, वो भेजना है आपको, अपनी फोटोएं भेजनी है, और मैं एक बार आज ग्रुप में मैसेज कर दूंगा क्या क्या चीजें और चाहिए उनको। आज मैं स्कूल में जाऊंगा, आपका जो फीस का इश्यू है कई बच्चों का वो भी सॉल्व आउट करके आऊंगा, तो आज मैं स्कूल में जाके जो भी अपडेट मुझे मिलती है वो मैं आपको बताऊंगा बेटा जी। तो थोड़ी देर वेट कीजिएगा, मैं थोड़ी देर बाद स्कूल में जाऊंगा तो मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा बेटा क्या क्या चीजें आप लोगों को वहां सबमिट करनी है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा बेटा जी। तो चलेगा बेटा जी। तो हमने आपसे बातें की थी लास्ट क्लास में, एक अपने ग्रुप पढ़ लिया, एक क्लास आपने पढ़ ली, उस क्लास का नाम था बेटा जी यहाँ पे सिलोपसीडा, जो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है, सबसे एंशियंट करेक्टर अगर किसी क्लास में आते हैं तो वो आते हैं बेटा जी सिलोपसीडा में। आपने वहां पे फॉसिल वर्ड को जाना, कुछ तो बेटा जी लिविंग फॉसिल और कुछ वहां पे बेटा जी फॉसिल प्लांट, ये सब बातें खत्म कर ली थी। और आपने वहां पे एक वर्ड डाला था वहां पे सब कैसा बेटा जी होमोस्पोरस है। फिर आपने दूसरी क्लास पढ़ी थी बेटा जी लाइकोप्सीडा, वहां पे आपने कहा कि सर यहां पे एक टेडोफाइटा की बॉडी पूरी डिफ्रेंशिएटेड हो चुकी है, ट्रू रूट्स हैं, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स हैं, वो बातें आप लोगों ने की थी बेटा जी। हाँ बच्चा, आपको हो भिजवाने हैं वो चीजें स्कूल तक, सचिन जी आपको भिजवानी है वो चीजें, क्योंकि अभी आप लोग स्कूल में आते तो हम आप लोगों से ले लेते हैं बेटा जी यहाँ पे। हाँ बेटा प्लीज प्लीज, मैं आज स्कूल में जाके सारी डिटेल लेके आता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक ये सब बातें अमित सर के पास हुआ करती थी, तो मैं इंचार्ज अगर बनाऊं तो मैं वहां से ये सारी चीजें पहले लेके उनसे क्लियर करके तभी मैं आप लोगों को बता पाऊंगा बेटा जी। बिकॉज अभी तक तो हमारा कम्युनिकेशन भी फोन के थ्रू हो रहा है, तो फोन पे जो मैसेज आए मैं तो वो बता रहा हूँ आपको, बट क्या क्या चाहिए, किस किस के नहीं है वहां पे, क्या फीस का इश्यू है, वो सब बातें बेटा जी मैं आज स्कूल में जाके क्लियर करके आऊंगा और फिर मैं आप लोगों को बता पाऊंगा पूरी पूरी बातें बेटा जी। अगर हो गया नहीं अभी हो, अगर पलक जी आपका सारे डॉक्यूमेंट जमा है तो अच्छी बात है बेटा जी। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, ये सब बातें मैं आपको बता दूंगा विद द टाइम। हाँ जी, अब बात क्या आती है, आपने बेटा जी लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ना शुरू किया था बेटा जी लाइकोप्सीडा, जहां पे आपने कहा कि सर ये पहली बार पूरा डिफ्रेंशिएटेड हो गया,
और वहां पे आपने कहा सर होमोस्पोरस भी है और हिटरोस्पोरस कंडीशन भी है, और अगर होमोस्पोरस कंडीशन है तो आपने उसका एग्जांपल दिया लाइकोपोडियम, बट यहां पे हिटरोस्पोरस कंडीशन भी है और आपने एग्जांपल दिया था बेटा जी यहां पे सेलाजिनेला। बेटा मैं बता दूंगा पलक जी, आप प्लीज थोड़ा सा टॉपिक के साथ कनेक्ट रहिएगा बेटा जी, आप उन ये पढ़ते हैं ये सब चीजें सेकेंडरी है बेटा जी, मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा, अगर आपको कर दिया है तो अच्छी बात है बेटा जी, प्लीज अब थोड़ा सा मैसेज ना करके टॉपिक पे ध्यान दो बेटा जी। अब हाँ जी सुनेगा बेटा जी, अब टॉपिक आपने लास्ट क्लास में ये भी वर्ड बोला है जो भी क्लबमोस है या हमें कहते हैं जो भी प्लांट इस क्लास में इंक्लूड होंगे लाइकोप्सिडा में वो सबके सब कहलाते हैं क्लबमोस। उसका रीजन दिया था हमने पलक जी आपको, बिकॉज वो पत्ते उनके छोटे छोटे हैं और वो पत्ते बेके बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आप लोगों ने बातें की थी इन द केस ऑफ द बेटा जी ब्रायोप्सीडा जहां पे निकनेम रखा था आपने मॉस। तो मैं कहूंगी पत्तों की वजह से इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो हमें नजर आती है लाइक द मॉस प्लांट, दैट्स व्हाई हम इनको बोलते दे आर ऑल्सो द क्लब मॉस, उसी क्लब में आते हैं क्लब मॉस है बेटा जी। तो ऐसे कुछ वर्ड हमने बताए थे आप लोगों को। अब यहां पर एक ग्रुप है, एक बेटा जी आपका जीनस है जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले, और जीनस का नाम बेटा जी यहाँ पे सेलाजिनेला, इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है क्योंकि इसमें हमारी कई चीजें और अच्छे से बेटा जी यहाँ पे क्लियर होगी। तो आज की लाइव क्लास का टॉपिक है बेटा जी जीनस सेलाजिनेला, जो हमने लाइकोप्सिडा को ही पढ़ना शुरू किया उसी का ये एग्जाम्पल बेटा जी अब हम आपके साथ में डिटेल में शुरू करने वाले। तो हेडिंग डालना है बेटा जी यहाँ पे सेलाजिनेला जीनस, हम इस जीनस की बात करेंगे क्या है इस जीनस के करैक्टर बेटा जी। सबसे पहली बात इसके बारे में, ये प्लांट एवरग्रीन है, एवरग्रीन प्लांट है बेटा जी। बट अब इस प्लांट में एक नया वर्ड भी आता है, क्या वर्ड आता है बेटा जी यहां पे आपका, कल मुझे शायद निधि ने एक क्वेश्चन पूछा था एनसीईआरटी बुक की एक लाइन थी कि उनके हैबिटेट कैसे कैसे होते हैं, उनपे एक निधि ने क्वेश्चन भेजा था मुझे, और आपके एनसीईआरटी बुक अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो वहां पे बेटा जी एक क्वेश्चन था, वो एक लाइन दे रखी है कि जो भी टर्डोफाइट्स होते दे आर फाउंड नियर टू द मोइस्ट डैम्प एंड कूल प्लेसेस में मिलते हैं यहाँ पे, बट ऑल्सो इन द सैंडी प्लेसेस, वहां पे सैंडी करके भी वर्ड लिखा हुआ है कि वो मिट्टी में भी ग्रो होते हैं। नहीं बेटा जी, कुछ करेक्टर्स इसके ऐसे जो बिल्कुल वैसे, बट इसमें कुछ खास बात है, इसके कुछ स्पेशल करेक्टर देखो, बाकी जो बातें हैं वो तो करेक्टर जो लाइकोपोडिया उसके लाइकोप्सिडा के वो तो इसके पास सही है, बट कुछ खास इसमें यूनिकनेस है वो हिटरोस्पोरस कंडीशन जो है हम उसके साथ इसको लिंक करने वाले हैं, कुछ अलग बातें इसके बारे में बताने वाले जीनस की जो इसके लिए खास बात है, हम वो बातें इसके बारे में बताएंगे बेटा जी यहाँ पे, वो जो खास बात है वो आपको बताएंगे इसके बारे में बेटा जी। भारत जी वो सब वर्ड तो हैं इस पे, बट इसके जो स्पेशल फीचर हैं वो उस क्लास पे लागू नहीं होते हैं, उस क्लास के फीचर इस पे लागू होते हैं बेटा जी। ओके सुनेगा बात को बेटा जी, आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक में एक लाइन पढ़ी होगी कि जो भी आपके बेटा जी यहाँ पे प्लांट होते हैं टर्डोफाइटा वो कूल में और बेटा जी आपको मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे मिलते हैं, वहां पे एक वर्ड लिखा है कि वो सैंडी में भी कुछ प्लांट मिलते हैं, वो जीरोफाइटिक प्लांट के वर्ड जब आता है तो ये प्लांट है बेटा जी, यस सैंडी प्लेसेस, सैंडी वर्ड भी लिखा होगा, एक सोयल लिखा होगा कि सोयल में मिलते हैं, सैंडी तो है ही बेटा जी कि वो छांव में मिलते हैं, बट एक सोयल के रिगार्डिंग भी एक वर्ड लिखा है वहां पे। चलिएगा सुनेगा बात को, इस प्लांट के बारे में खास बात आपको क्या जाननी है, इस प्लांट में कुछ ऐसी भी स्पीसीज हैं जो बेटा जी आपकी जीरोफाइटिक कंडीशन में ग्रो होती है, मतलब जो बेटा जी डेजर्ट में ग्रो होती है। अब आप कहोगे सर डेजर्ट में ये कैसे ग्रो हो सकता है, डेजर्ट में ये कैसे ग्रो हो सकता है, ये तो सर टर्डोफाइटा है, ये तो बेटा जी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी पे डिपेंडेंट है, ये पानी पे डिपेंडेंट है।
पानी पे ये बेटा जी डिपेंडेंट है, तो ये सैंडी सोयल में कैसे ग्रो हो सकता है, ये जीरोफाइटिक प्लांट कैसे बन सकता है, ये डेजर्ट में कैसे ग्रो हो सकता है, ये तो बेटा जी आपका एक टेडोफाइट प्लांट है, तो वो सैंडी प्लेस सैंडी सोयल क्यों लिखा एनसीईआरटी बुक ने, क्या वो गलत है? तो आंसर है नहीं, वो गलत नहीं है। हम आपको अब केस पढ़ाएंगे जहां पे वो ऐसी कंडीशन में भी ग्रो हो जाएगा, और जो प्लांट ऐसे ग्रो होते हैं उन प्लांट्स को बोलते हैं बेटा जी यहां पे रिकरेक्शन प्लांट। अब ये क्या आता है जरा उस वर्ड को सुनना बेटा जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी वही बता रहे हैं पारा जी, सबर करो बेटा, सबर करो थोड़ा सा। इस जीनस में ऐसी स्पीसीज आती हैं जो बेटा जी ड्राई सीजन में अपने आप को रोल अप कर लेती हैं, ड्राई सीजन में जब उन्हें प्रॉपरली पानी नहीं मिल रहा, उनके लिए कंडीशन बेटा जी ड्राई हो गई, मॉइस्चर उन्हें नहीं मिल रहा है, तो वो अपने आप को बेटा जी रोल अप कर लेते हैं, एंड उनका कलर भी बेटा जी जो वो ग्रीन था वो चेंज हो जाएगा, एंड दे बिकम ब्राउन इन द कलर, वो कलर में हो जाएंगे बेटा जी ब्राउन। इवन उनकी रूट्स भी बेटा जी कई बार अप रूटेड हो जाती है, उनकी रूट्स भी बेटा जी निकल सकती है अगर ज्यादा ही ड्राई कंडीशन आ गई तो। ऐसा हालात हो जाते हैं जब कंडीशन उनकी ड्राई आती है, बट जैसे ही वहां पे बेटा जी उसे मॉइस्चर मिलेगा, जैसे ही उसे बेटा जी वहां पे अगर पानी मिल गया थोड़ा सा, वो दोबारा से अपने आप को ग्रीन कर लेता है। और जो के जाते हैं, नेट गया क्या, एक मिनट रुकना बेटा जी, एक मिनट। हाँ वो बीच में नेट की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी आई थिंक, अब दोबारा से रिकनेक्ट हो गए हम लोग। हाँ बच्चा वो प्रॉब्लम आ गई थी कुछ नेट में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अभी सबको आ रही होगी आई थिंक, अब सबको आ रही होगी मेरी बेटा जी वीडियो। हाँ हाँ अब सही हो गया होगा। हाँ जी हाँ जी सुनेगा बात को, सुनेगा एक बार, वीडियो कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था, चलेगा कोई नहीं, दोबारा बात को करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी रुक जाओ बेटा, सुनो बात को यहाँ पे, ये रिकरेक्शन प्लांट का क्या मतलब, उस वर्ड को आपको समझा रहे हैं कि इस जीनस में ऐसे भी प्लांट आते हैं जो ड्राई कंडीशन में भी अपने आप को बेटा जी यहाँ पे, हाँ जी कर रहे हैं बेटा जी कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी शुरू से कर रहे हैं बातें। इस जीनस में बेटा जी ऐसे भी प्लांट आते हैं जो ड्राई सीजन में अपने आप को रोल अप कर लेते हैं, राउंड अप कर लेते हैं, उनका कलर भी ग्रीन से चेंज होके बेटा जी ब्राउन सा हो जाता है। इवन अगर ज्यादा ही ड्राई कंडीशन हो गई तो उनकी रूटेड भी क्या हो जाती है बेटा जी वहां पे अपराइट हो जाती है, वो बेटा जी निकल जाती है, उनकी रूटे भी अपरूटेड हो जाता है। बट जैसे ही उन्हें बेटा जी पानी मिलेगा, वो दोबारा से पानी को एब्जॉर्ब करके बेटा जी ग्रीन हो जाएंगे, और जब वो ग्रीन हो जाते दोबारा से वहां पे ग्रो करेंगे, तो मैं कहूंगा ऐसा करने वाले प्लांट को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, रिकरेक्शन प्लांट। ये क्या मतलब, इस वर्ड का जरा मतलब समझ के देखो, आप लोग उसको लिंक कर सकते हो कि सर जब अपने यहाँ पे एक ड्राई सीजन आता है तो अपने प्लांट भी सारे पत्ते गिरा देते हैं, उनकी स्टेम भी बिल्कुल सूख सी जाती है, और सर वो पतझड़ में ऐसा काम होता है, पर जैसे ही बसंत की ऋतु आती है दोबारा से सर पानी बरसात आते हैं, प्लांट पे नए नए लीव्स आ जाते हैं, और दोबारा प्लांट अपने आप को ग्रो कर लेता है। मैं वैसे ही कंडीशन बेटा जी यहां पे आपको समझा रहा हूं कि इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया टू ग्रो इन द सोयल, टू ग्रो इन द जीरोफाइटिक कंडीशन, ये वहां भी ग्रो कर सके कि जहां पानी अवेलेबल बहुत ही कम है, ये वहां भी अपने आप को ग्रो कर लेते हैं। कैसे, इनके अंदर एक स्पेशल बात है बेटा जी, ये एवरग्रीन प्लांट है, बट अगर इन्हें बेटा जी ड्राई कंडीशन मिलती है तो ये अपने आप को सिकुड़ लेते हैं, इनकी जो स्टेम है बेटा जी वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, वो बड़ी रिजिड नहीं होती है, और वो रोल अप हो जाते हैं, आपका रोल अप होके बेटा जी एक राउंड बॉडी सी बना लेंगे बेटा जी यहाँ पे, और अपने सारे के सारे इनके जो पत्ते छोटे छोटे हैं बेटा जी वो ब्राउन से हो जाएंगे बेटा जी यहाँ पे, और सर हमें लगेगा एक ब्राउन बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे। पर जैसे ही इसे दोबारा से पानी मिलेगा, इसके नए पत्ते ग्रो होंगे बेटा जी यहाँ पे, और वापस से बेटा जी ग्रीन लीव्स आ जाएंगे यहाँ पे, दोबारा से बेटा जी ये ग्रो करेगा। पर रिप्रोड्यूस करने के लिए इसे भी बेटा जी पानी चाहिए, तो रिप्रोडक्शन तभी करेगा जब इसे बेटा जी मॉइस्चर मिलेगा, अगर इसे मॉइस्चर नहीं मिला तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो बात इस पे लागू होती होती है, इसके अंदर बेटा जी यहाँ पे जूडियोगैमी है। बट दीज जीनस प्लांट आर एबल टू ग्रो इन द सोयल ऑल्सो, ये सैंडी जगह पे भी ग्रो हो सकते हैं बेटा जी, और ये जीरोफाइटिक कंडीशन में भी हमें मिलते हैं बेटा जी। ये इस जीनस के बारे में वर्ड है जो आपको समझना है। तो कोई पूछे आपसे रिकरेक्शन प्लांट क्या होते, तो आप कहोगे एनी प्लांट दैट गेट रोल अप इन द ड्राई कंडीशन एंड बिकम ब्राउन इन कलर एंड व्हेन दे गेट वाटर दे अगेन बिकम ग्रीन एंड स्टार्ट देयर लाइफ
वो दोबारा अपनी जिंदगी को शुरू करते जैसे उन्हें पानी मिल जाएगा बेटा जी। ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं रिक्रिएशन प्लांट बेटा जी। और ऐसे प्लांट इस जीनस में बेटा जी आते हैं, और यही वो प्लांट है जो सैंडी प्लेस पे भी ग्रो हो सकते हैं, जैसे कि सेनेंजिला ब्रायोपेट्रिस। अब मैं आपको नाम लिख रहा हूं, नाम को समझना बेटा जी। ये बेटा जी नाम है संजीवनी बूटी का, जो आप बोलते हैं ना संजीवनी बूटी बेटा जी, वो संजीवनी बूटी का। अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नोन एज संजीवनी बूटी, वो संजीवनी बूटी बेटा जी ये स्पीसीज का नाम है, सेलेजिनिला ब्रायोपेट्रिस। ये बेटा जी है आपकी संजीवनी बूटी। तो अब ये नाम आपको याद रखना, क्योंकि संजीवनी बूटी पे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पे पूछ लिया जाता है, तो ये नाम आपको बेटा जी यहाँ पे याद रखना है। अगला नाम क्या आता है, सेलेजिना लेपिडोफाइला। ये दूसरा स्पीसीज है इसकी बेटा जी यहाँ पे, जो संजीवनी बूटी नहीं है मेरे भाई यहाँ पे, बट ये दो प्लांट के नाम मैंने आपको बताए जो बेटा जी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं सोयल के अंदर बेटा जी। ये अपने आपको जीरोफाइटिक कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, पर जब ड्राई कंडीशन आएगी रोल अप हो जाएंगे बेटा जी यहाँ पे। तो अगर आपसे कहा जाए गिव द एग्जाम्पल ऑफ द रिक्रिएशन प्लांट, तो आप ये दो बेटा जी एग्जाम्पल भी दे सकते हो यहाँ पे इस प्लांट की कैटेगरी के अंदर। तो जो डाउट था आप लोगों का कि सर सोयल में कौन ग्रो होता है, तो बेटा जी वो टॉपिक आज आपका आता है, वो वर्ड आता है ऑन द सेलेजिनिला बेटा जी, ये पहला वर्ड है बेटा जी। अब आता है सर इसकी स्टेम कैसी है, तो मैं कहूंगा ये इसकी स्टेम बेटा जी इरेक्टेड है, और कुछ इसकी स्टेम बेटा जी फ्लेक्सिबल, और वो हैंगिंग स्टेम है बेटा जी यहाँ पे। और बेटा जी इसकी स्टेम भी बेटा जी जब डिवाइड करती है तो एक साथ में दो दो ब्रांच निकलती है, तो इसकी ब्रांच भी कैसी है बेटा जी यहाँ पे, डाइचोमेटसली ब्रांच है बेटा जी इसकी। अब बेटा रामायण तो एक वैसी है जो दिखा रखा है बेटा जी यहाँ पे, तो वैसा नहीं है, वैसा नहीं है मेरे भाई यहाँ पे, वो तो एक पिक्चराइजेशन है, तो आप उसके साथ रियल लाइफ में कनेक्ट मत कीजिएगा बेटा जी। मैं इसके आपको पिक्चर दिखा दूंगा लास्ट में, आपको यहाँ फोटो दिखा दूंगा उसके बेटा जी यहाँ पे। हाँ जी, अब बात आती है इसके स्टेम के बारे में। स्टेम इज डाइचोटो मसली ब्रांचिड इरेक्टेड एंड हैंगिंग भी है, लटकती हुई बेटा जिसके अंदर ब्रांच है यहां पे, जो आपको बात समझनी है। अगला पॉइंट आता है सर इसके लीव्स कैसे हैं, तो जैसा आपने बातें की इसके बारे में, इसके लीव्स भी कैसे हैं बेटा जी, सिंपल हैं, बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही बेटा जी यहां पे स्मॉल साइज के, तो मैं कहूंगा सिंपल है, माइक्रोफाइलस है जो वर्ड आपने इसके क्लास पे लिखा था, वही सेम बात आती है, माइक्रोफाइलस है बेटा जी यहाँ पे। अब एक खास बात को समझना है इसके पत्तों के बारे में। अगर हम ये इसके पत्ते का डायग्राम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा बड़ा करके, ये इसके सर बीच के अंदर मिडरिप है, आपने कहा सर ये लीफ है इसका, और सर ये उसकी मिडरिप है। इस पत्ते के बेटा जी बैक साइड में ऐसे एक छोटा सा और एक छोटा पत्ता होता है, मतलब छोटे पत्ते के बेस पे एक और छोटा पत्ता होता है, और इस छोटे पत्ते को हम बोलते हैं बेटा जी लिग्यूल। इसको हम बोलते हैं बेटा जी यहां पे लिग्यूल। तो कोई पूछे आपसे ये लिग्यूल क्या है, तो मैं कहूंगा इट्स ए स्मॉल स्केली लीव्स, इट्स ए स्मॉल लीव्स दैट प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स ऑफ द सेलेजिनिला। इसके जो छोटे छोटे पत्ते जो माइक्रोफाइलस है, उन पत्तों के बेस के पास भी एक छोटा सा स्केली लीव्स हाईली रिड्यूस फॉर्म में एक पत्ता होता है उसके बेटा जी बेस पार्ट पे, और मैं कहूंगा वो पत्ता जो होता है उसको नाम देते हैं बेटा जी लाइग्यूल। तो एक वर्ड आता है इसके लीव्स कैसे हैं, तो मैं कहूंगा इसके लीव्स जो है बेटा जी वो कैसे हैं, लाइग्यूलेटेड लीव्स। दोबारा मेरे वर्ड को सुनना, कंफ्यूजन नहीं लेना, आप लोगों को समझना है बात को। मैं बात कर रहा हूं यहां पे आज आप किसके जीनस के साथ में। मैंने पहला वर्ड बोला ये प्लांट बेटा जी एवरग्रीन है, बट इस प्लांट के कुछ ऐसे भी बेटा जी यहां पे स्पीसीज इस जीनस में जो बेटा जी ड्राई कंडीशन में अपने आप को ग्रो कर लेती, मैंने उनके एग्जांपल आपको दिए, ये वर्ड मैंने आपको समझाया।
अब एक पॉइंट आता है, इस प्लांट के पत्ते कैसे है? तो मैंने कहा इसके पत्ते जो होते हैं बहुत ही सिंपल से होते हैं बेटा जी, और स्मॉल इन द साइज होते हैं। अब यहां पे जो स्मॉल इन द साइज है बेटा जी वो क्या है, तो हमने उसकी बात की कि ये जो पत्ता है, इस पत्ते के बैक साइड में बेटा जी डोर्सल साइड में एक छोटा सा ऐसे लाइगुल होता है। फंक्शन कुछ भी नहीं है श्रुति जी यहां पे आपका, बट हम इसकी मॉर्फोलॉजी को समझ रहे हैं, यहां पे हम इसकी मॉर्फो को समझ रहे हैं कि इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है यहां पे। तो मैंने कहा बेटा जी एक पत्ते के भी दो साइड होते हैं, हम पत्ते की साइड को बोलते हैं, एक का नाम होता है अबेक्सियल और एक साइड का नाम होता है बेटा जी अडेक्सियल। अडेक्सियल वर्ड को याद रखो, डी से मतलब डोर्सल साइड, और ये होता है बेटा जी वेंट्रल साइड। एक पत्ते की दो साइड होती है, डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड। तो मैं कहूंगा बेटा जी उसकी जो डोर्सल साइड है उस साइड में, ये जो मैं सरफेस बना रहा हूं बेटा जी यहां पे अडेक्सियल सरफेस पे, नीचे की साइड में एक छोटा सा बेटा जी यहां पे और भी बेटा जी यहां पे एक पत्ता होता है, मैं कहूंगा वो जो छोटा सा पार्ट हमने उसका नाम रखा है बेटा जी यहां पे लाइग्यूल। और बेटा ये जो लाइग्यूल है, इस वजह से हम कहते हैं इसके पत्ते जो होते हैं वो कहलाते हैं लाइग्यूलेटेड लीव्स। तो इट इज द फीचर ऑफ दिस जीनस। हाँ बेटा क्या बताऊं मैं, चलो देखते हैं कुछ होगा तो। अभी भी सब लोगों को ऐसा हो रहा है क्या? अरे यार सब लोगों को ठीक आवाज आ रही है? अरे अभी ठीक आ रही है क्या भाई आवाज? ओके सुनेगा बेटा जी बात को। अब जरा हमने बातें क्या कर रहे हैं यहां पे, हम इसके फीचर्स की बात कर रहे हैं। मैंने इसके पत्ते के बारे में एक वर्ड बताया आपको स्पेशल यहां पे, और वर्ड बताया बेटा जी यहां पे आपको लाइगुल वर्ड क्या होता है। बेटा जी मैंने यहां पे आपको बातें बता रहा हूं कि इसके पत्ते जो होते हैं लाइगुलेटेड लीव्स, जो ऐसा क्यों बोला मैंने उस बात की बात की है बेटा जी यहां पे आपके साथ में कि यहां पे इसके लीव्स के साथ ऐसा वर्ड क्यों कनेक्ट किया जाता है। अब एक और वर्ड आता है यहां पे कि सर इसमें रूट अगर है तो कैसी रूट है? तो मैं कहूंगा इसमें रूट जो होती है बेटा जी वो कैसी, यहां पे एडवेंटिशियस रूट है, मतलब इसकी जो प्राइमरी रूट है बेटा जी उसको रिप्लेस करके बेटा जी यहां पे क्या आ जाती है बेटा जी आपके यहां पे एडवेंटिशियस रूट आती है बेटा जी। तो रूट भी इसकी कैसी यहां पे एडवेंटिशियस है बेटा जी। ये सब बातें आपने जो जर्नलिस्ट के बारे में बातें की वो बातें आपने कर ली है। अब जरा अपनी एनसीईआरटी बुक को खोलेगा सारे के सारे लोग बेटा जी, सबके सब अपनी एनसीईआरटी बुक को खोलेगा बेटा जी यहां पे, और उसमें देखो एक प्लांट है जिसका आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा बेटा जी, जिसपे छोटे छोटे पत्ते हैं और एक डायग्राम बना रखा है बेटा जी सेला जिनेला का। उसमें आप ब्रांचिंग को देखो, ब्रांचिंग भी बेटा जी यहां पे आपको दिखाई दे रही होगी, पत्तों का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा जी, कि बहुत छोटे छोटे साइज के पत्ते हैं और पत्तों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, हाईली डेंस फॉर्म में बेटा जी यहां पे पत्ते हैं। लेंगे बेटा जी अभी लेंगे, पहले आप डायग्राम को देखो। डोरमेंट तो मैंने वर्ड बताया बेटा जी रिक्रक्शन प्लांट के लिए, कि डोरमेंट वर्ड का मतलब है कि जब कंडीशन अनफेवरेबल है तो वो बेटा जी इनएक्टिव स्टेट में चला गया, वो जो इनएक्टिव स्टेट है उसको बोलते हैं बेटा जी डोरमेंट स्टेज। अनुजी जो मैंने यहां पे वर्ड लिखा था रिक्रक्शन प्लांट, मतलब जब कंडीशन ड्राई हुई तो वो बेटा जी वहां पे इनएक्टिव हो गए, वो इनएक्टिव वाला जो फेज होता है बेटा उसको हम बोलते हैं वो डोरमेंट स्टेज में चले गए बेटा जी। ओके अब मैं आपके एनसीईआरटी बुक में क्या चीज समझाने वाला हूं, तो आप देखिए आपने एक ऐसा प्लांट दिख रहा होगा आप लोगों को, उस प्लांट के नीचे की साइड में एक इस तरह से बेटा जी हैंग करता हुआ बेटा जी स्ट्रक्चर होगा, और उस स्ट्रक्चर पे कोई भी बेटा जी पत्ते नहीं होंगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको हैंग करता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा जी उस डायग्राम के अंदर। आप उसको लेबल कीजिएगा बेटा जी यहां पे राइजोफोर, अपनी एनसीईआरटी बुक में उसे आप लेबल कीजिएगा, नाम लिखेगा बेटा जी उसका राइजोफोर। क्या उस हैंगिंग प्लांट के लटकते प्लांट के ऐसा एक डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा जी, जो उसके ऐसे लटक रहा उस पर कोई पत्ते नहीं होंगे जबकि बाकी सब ब्रांचेस के बेटा जी पत्ते होंगे, लीव्स होंगे छोटे छोटे साइज के, बट वो ऐसे लटक रहा होगा।
हाँ जी हाँ जी, अब वो बातें ही करनी है, उसको हम बोलते हैं राइजोफोर। अभी राइजोफोर क्या है? इट इज ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट फाउंड इन दिस जीनस प्लांट। ये क्या है राइजोफोर? ये बेटा जी रूट और स्टेम के बीच का स्ट्रक्चर है। ये ना तो ये एक रूट है और ना ये एक स्टेम है, ये दोनों के फीचर शो करता है। कैसे? तो मैं रूट के फीचर्स की बात बोलता हूं। लीफ अब्सेंट, तो मैं कहूंगी लीफ लेस है, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट बेटा जी, आप अगर इसकी एनाटोमी को देखोगे, इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखोगे, तो इसकी एनाटोमी जो है वो रूट वाली है। तो मैं कहूंगा रूट एनाटोमी है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो रूट के साथ बेटा जी मैच करता है। बट अब ऐसे कुछ करेक्टर है जो रूट के इसके साथ पूरे नहीं है, कुछ करेक्टर इसके स्टेम के साथ मैच करते हैं। जैसे कि ये अगर रूट है तो यहां पे बेटा जी रूट कैप अब्सेंट है, यहां पे बेटा जी रूट कैप अब्सेंट है, जबकि रूट के बाहर हमेशा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रेडिकल के बाहर उसको हम बोलते रूट कैप, वो यहां पे अब्सेंट है, बट रूट वाला स्ट्रक्चर है बेटा यहां पे। अगला पॉइंट आता है, इसका ओरिजिन अगर देखोगे तो वो है बेटा जी एक्सोजीनस ओरिजिन। अब ये जरा समझाते हैं आपको बेटा जी, जो प्लांट होता है बेटा जी उसकी जो स्टेम होती है वो ऐसे बाहर से निकलती है, तो मैं कहूंगा वो आउटर साइड से ब्रांच ग्रो होती है, दैट्स व्हाई हम कहते हैं ब्रांच का जो ओरिजिन होता है वो होता है बेटा जी एक्सोजिनस। जब किसी प्लांट के रूट की ब्रांच निकलती है तो रूट की ब्रांच बेटा जी अंदर से आती है, और हमेशा रूट का जो ओरिजिन होता है वो होता है बेटा जी एंडोजिनस। ये सब वर्ड आप जब आगे जाके अपनी जो सेकंड यूनिट आएगी उसमें आएगी प्लांट एनाटॉमी, जो अगला टॉपिक आएगा अपना प्लांट एनाटॉमी, तो वहां पे चीजें और क्लियर होंगी। बट फिलहाल नॉलेज के लिए, जस्ट एक सेक ऑफ द नॉलेज के लिए सुन लीजिएगा बात को बेटा जी, कि जो भी स्टेम की ब्रांच निकलती है वो हमेशा बाहर से निकलती है, तो उनका ओरिजिन कहलाता है एक्सोजिनस। और जब भी किसी रूट के ब्रांच आती है तो वो अंदर से पेरिसाइकल से अराइज होके आती है, तो हम कहते हैं वो वाला होता है एंडोजिनस। तो अब अगर देखिएगा, मैं जब इस राइजोफोरा को कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखता हूं कि इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा है, तो मैंने देखा इसका स्ट्रक्चर रूट जैसा है और इसके भी पास पत्ते अब्सेंट है, तो ये वो दो करेक्टर हैं जो इसको मैच करवाते हैं रूट से। बट जब मैंने देखा हर रूट के बाहर एक जो रूट का रेडिकल होता है, जो रूट का बेटा जी टिप होता है, उसके बाहर ऐसे कैप लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, हर एक रूट की टिप के पास बेटा जी ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोलते हैं बच्चा रूट कैप। वो रूट कैप इसके केस में बेटा जी अब्सेंट है, तो मतलब ये तो स्टेम का फीचर होता है कि स्टेम के पास कभी भी ऐसी कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है, तो इसके पास वो रूट कैप क्या है बेटा जी यहां पे आपकी अब्सेंट है। अगला पॉइंट आता है बेटा जी, हमने जब इसके ओरिजिन को देखा, क्या वो अंदर से निकल के आया या बाहर से निकल के, हमने क्या देखा उसका ओरिजिन कैसा है बेटा जी यहां पे एक्सोजिनस, और एक्सोजिनस ओरिजिन तो बेटा जी स्टेम का करेक्टर है। हमने और बात देखी यहां पे कि आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जियोट्रॉपिक ग्रोथ 10th क्लास में, और रूट जो होती है वो हमेशा टुवर्ड द ग्रेविटी ग्रो करता है, और स्टेम जो होता है वो हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करता है। बट इसकी जो ग्रोथ आपको नजर आ रही होगी बेटा जी वो कैसी है बेटा जी, यहां पे आपका पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, तो ये भी करेक्टर उसका रूट के साथ मैच करता है। तो मैंने कहा बेटा जी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ, तो इसके जो फीचर हैं आपको दिखाई ये दे रहा है कि सर ब्रांच से वो ओरिजिनेट हो रहा है, तो आप ओरिजिन देखोगे तो मैं कहूंगा ओरिजिन फ्रॉम ब्रांच, वो एक ब्रांच से ओरिजिनेट हो रहा है, एक्सोजिनस ओरिजिन है, रूट कैप अब्सेंट है। तो सर वो अगर एक पेड़ की ब्रांच से अराइज हो रहा है तो मैं कहूंगा तो एक ब्रांच ही होगी, मुझे ऐसा लगना चाहिए। बट अगर वो ब्रांच है तो उसके पास पत्ते नहीं है, उसका अंदर का स्ट्रक्चर देखा तो रूट के जैसा है,
और वो टूवर्ड द ग्रेविटी ग्रो कर रहा है, जबकि स्टेम की ब्रांच को तो अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो होना चाहिए था, तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होना चाहिए था, बट वो तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्टेम एज वेल एज रूट दोनों के करेक्टर को शो करता है। ये वो स्पेशल करेक्टर है, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है बेटा जी सेलस जिनेला प्लांट में, जो आपके एनसीईआरटी बुक में बना रखा है, उसको लेबल करके लिख लेना बेटा जी राइजोफोर। इस स्टेम ब्रांच दैट इज लाइक रूट, एक ऐसी स्टेम की ब्रांच जो रूट लाइक है, क्योंकि वो रूट के करेक्टर भी शो करती है और स्टेम वाले करेक्टर भी उसमें है, तो वो दोनों के करेक्टर शो करता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है राइजोफोर। क्या ये वर्ड सबको क्लियर हुआ बेटा जी कि राइजोफोर क्या है क्या नहीं है? ओके, क्या ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? हाँ नहीं बेटा, वो पोर्शन वैसे ये दिखा रखा है, वो उस एक्चुअली उस स्टेम का पार्ट दिखा रखा है कि उस स्टेम के नोड से निकल के वो आ रहा है बेटा जी। जो नीचे वाला पार्ट है, हम उस पार्ट की बात कर रहे हैं बेटा जी राइजोफोर, वो तो उसके ओरिजिन वाला पार्ट हमें एक्चुअली ये हिस्सा दिख रहा है बेटा जी, कि वो मतलब लेबलिंग में ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि वो इसका पार्ट दिखा रहा है वहां पे श्रुति गुड़िया, वो ऐसे ऊपर वाला है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है बेटा जी, ये ब्राउनिश से कलर का है। तो ये चीज आपको वहां पे लेबल करनी है बेटा जी यहां पे कि राइजोफोर है वो, और राइजोफोर क्या है, मैंने वो बातें आपके साथ यहां पे बातें की है बेटा जी। ओके, ये एक स्पेशल चीज है जो इस प्लांट में प्रेजेंट है बेटा जी, जो स्पेशल कहानी है। अब ऐसा नहीं है पारस, आप कहोगे सर ये उस क्लास के फीचर है, नहीं मेरे भाई ये उस क्लास के फीचर नहीं है, हम बातें कर रहे हैं स्पेसिफिक करेक्टर्स की जो इस जीनस के पास हैं, हम वो बात आपको समझा रहे हैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बना हुआ है, मैं उस डायग्राम की बात आपके साथ कर रहा हूं कि वो डायग्राम में सर क्या है। बेटा मीनाक्षी, इंटरनोड से कभी कुछ नहीं निकलता, सब चीजें बेटा जी नोड से ओरिजिनेट होती है बेटा जी, क्योंकि मेरिस्मेटिक सेल बेटा जी नोड के पास होती है। मीनाक्षी बेटा जी नोड पे ही इंटरक्लेरी मेरिस्टम होती है बेटा जी, इंटरक्लेरी मेरिस्टम हमेशा बेटा जी नोड के पास प्रेजेंट होती है। चलेगा बेटा जी, आप लोग जल्दी से अपनी अटेंडेंस दे दो। अटेंडेंस क्या है बेटा जी आप लोगों की, क्योंकि आज मुझे बच्चे भी कम दिखाई दे रहे हैं ऑनलाइन में। चलेगा बेटा जी, अपनी अटेंडेंस दीजिएगा। बेटा अपनी अटेंडेंस दो जल्दी से। ओके, चलेगा बेटा, जल्दी परसेंट है। हाँ जी बेटा जी, चलेगा मेरे भाई। तो ये एक चीज थी, तो हमने जान ली बेटा जी अबाउट द बेटा, मैंने कहा था ना आपको ये वंशिका
कौन सी वंशी का है बेटा जो प्रेजेंट है? बेटा वंशिका अपने फादर के नाम के साथ अटेंडेंस दिया करो ना, ताकि मेरे को क्लियर हो जाए। बेटा वंशिका जी प्लीज पापा का नाम लिखो। नहीं यार क्या बात कर रहा है, मेरे सामने चल रहा है वीडियो, मुझे तो सही आ रही है। ब्लैक स्क्रीन कैसे आ रही है मैंने आपको? हाँ जी बेटा जी चलिएगा। टॉपिक क्या आता है मेरे भाई? ये तो हमने पहली बात है जो स्ट्रक्चर के साथ कर लिया, बात आती है इसके यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन को लेकर जो हमें समझनी है। ओके बेटा आप जब किसी स्टेम को देखते हो तो वहां पे बेटा दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है ऐसा स्वेलन पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा जी नोड। नोड बेटा एक स्टेम का वो रीजन है जहां से लीफ या बेटा फ्लावर या बेटा कोई भी लेटरल ब्रांच, आप कह सकते हो कोई भी स्टेम ब्रांच ही बोलो, कोई भी लीफ कोई भी फ्लावर कोई भी ब्रांच जहां से अराइज होती है बेटा जी वो होता है नोड। ऐसा क्यों होता है बेटा जी? नोड के पास प्रेजेंट होती है बेटा जी इंटरक्लेरी मरिस्टम। आप बेटा जी थोड़ा पढ़ा होगा अपने नाइन्थ क्लास में, तीन प्रकार के बेटा जी मरिस्टम होती है, या तो हम उसे बोलते हैं बेटा जी एपिकल मरिस्टम, या उसे हम बोलते हैं बेटा जी इंटरक्लेरी मरिस्टम, या उसे हम बोलते हैं बेटा जी यहां पे आपका आपने ऊपर नोड लिखा हुआ है गुड़िया। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो श्रुति, इनकी रूट जो अराइज होती है बट वो एडवेंटिशियस रूट हैं और उन रूट के तो टिपिकल रूट वाले ही करेक्टर हैं, मतलब उनमें जब अगर ब्रांच निकलती है तो वो एंडोजीनस है। वहां पे बेटा जी आपके लीफ अब्सेंट है बट उस पे रूट कैप प्रेजेंट, उसमें कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं है जो उसको बेटा जी यहां पे मैच कराता हो बेटा जी विद द स्टेम। तो हमने कहा उन रूट का तो हमने नाम ही रख दिया बेटा जी वो एडवेंटिशियस रूट है, क्योंकि उनका ओरिजन रेडिकल से अलग हो रहा है। अब अगर इनमें भी बाकी करेक्टर रूट के साथ मैच करते श्रुति तो मैं इसे भी एडवेंटिशियस रूट ही कहता। इसके बेटा जी अगर बाकी करेक्टर मैच करते जैसे कि इसका ओरिजन एंडोजीनस ना होके बेटा इसका ओरिजन एक्सोजीनस है, जबकि एक रूट का ओरिजन हमेशा एंडोजीनस होता है, वो करेक्टर उसका रूट के साथ मैच नहीं कर रहा, बट जो एडवेंटिशियस रूट होते हैं श्रुति वहां पे तो सारे करेक्टर रूट वाले ही होते हैं बेटा जी, बट इसके अंदर रूट के साथ साथ बेटा जी यहां पे स्टेम वाले करेक्टर भी प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई हमने इसके लिए एक अलग से वर्ड यूज किया है राइजोफोरा, कि एक रूट लाइक ब्रांच है, ये एक रूट लाइक ब्रांच को बोला राइजोफोरा। श्रुति जी क्या ये वर्ड क्लियर हुआ आपको? श्रुति बेटा क्या ये वर्ड क्लियर हुआ? एडवेंटिशियस रूट के फीचर सारे रूट से मैच करते हैं, उसका ओरिजन उसकी एनाटोमी उस पे रूट कैप प्रेजेंट है, सब चीजें बेटा जी रूट वाली है वहां पे, बट यहां पे नहीं है श्रुति जी, यहां पे कुछ अलग भी चीजें हैं बेटा जी। रूट्स में जो भी ओरिजिन होता है, रूट्स में जो भी ब्रांचिंग होती है, उन सबका ओरिजिन बेटा जी एंडोजीनस है, वो अंदर से निकल के आती है। अब अंदर से कहां से निकल के आती है? अगर आप स्ट्रक्चर को समझोगे एनाटॉमी को कहोगे तो कुछ ऐसा होता है, किसी भी प्लांट के बाहर जो बाहर की कवरिंग होती है बेटा जी वो होता है एपिडर्मिस। उसके अंदर भी बेटा जी एक लेयर ऑफ द सेल होती है, उस लेयर को बोलते हैं बेटा जी कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के अंदर फिर एक डिफरेंट टाइप की लेयर ऑफ द सेल होती है बेटा जी, उसको हम बोलते हैं बेटा जी एंडोडर्मिस। और उसके अंदर फिर बेटा जी एक डिफरेंट टाइप की लेयर ऑफ द सेल होती है बेटा जी, उसका नाम होता है पेरिसाइकल। और इस पेरिसाइकल के अंदर बेटा जी अरेंज होते हैं
आपके जाइलम और बेटा जी यहां पे फ्लोएम, और ये सेंटर में होता है बेटा जी पित्त। ये है बेटा जी आपके जाइलम एंड फ्लोएम। ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है अंदर से किसी स्टेम का या किसी बेटा जी रूट का, और उनके यहां पे जो अरेंजमेंट है ये स्पेसिफिक टाइप का होता है। तो मैंने यहां पे श्रुति आपको वर्ड बोला कि जो भी स्टेम होता है उसकी एनाटॉमी, मतलब उसका अंदर से सेल्स का कैसा अरेंजमेंट है वो अलग होता है, और एक रूट के अंदर की एनाटॉमी ऐसे अंदर से दिखने में अलग होती है। तो हमने जब उसको ऐसे माइक्रोस्कोप में देखा, जब श्रुति मैंने उसको ऐसे माइक्रोस्कोप में देखा तो वो रूट के जैसा दिखा मुझे, कि उसका स्ट्रक्चर उसका अरेंजमेंट सारा कैसा है बेटा जी, रूट जैसा है। पर जब मैंने ये देखा कि उसकी ब्रांचिंग जो हो रही है वो कहां से हो रही है, तो उसमें ये होता है, ये जो पेरिसाइकल है बेटा जी यहां से ब्रांच निकल के जाती है, यहां से ब्रांच का ओरिजिन होता है हमेशा बेटा जी रूट में। जबकि आप स्टेम को जब देखोगे तो स्टेम के केस में इस एपिडर्मिस से ही बेटा जी ब्रांच निकलती है। तो अब आप समझ के देखो श्रुति, बाहर के एपिडर्मिस से ही ब्रांच निकल गई, और अगर बाहर से निकली तो मैं कहूंगा वो ओरिजिन होगा एक्सोजीनस। मैं आगे वर्ड लगा रहा हूं बेटा जी ओरिजिन, कि भाई बाहर के स्ट्रक्चर से चीज ओरिजिनेट हो रही है। अब वो अंदर के पेरिसाइकल से अंदर से निकल के आई है, तो मैंने उसका नाम बोला बेटा जी यहां पे एंडोजीनस। तो अब अगर एक एक रूट है मेरे बेटा, अगर ये रूट है तो उसका ऐसा ओरिजिन होना चाहिए, और अगर वो स्टेम है तो उसका ऐसा ओरिजिन होना चाहिए। अब ये एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर से स्ट्रक्चर देखा तो रूट के जैसा है, पर उसके जो ब्रांच निकली हुई है वो सबका ओरिजिन कैसा है, एक्सोजीनस है। उसके जो ब्रांच निकली उस जब का ओरिजिन एक्सोजीनस है, तो मैं उसे कैसे कह दूं कि वो रूट है, अगर एडवेंटिसियस रूट में ब्रांचिंग होती है। श्रुति जी, एडवेंटिसियस रूट में जब ब्रांचिंग होती है तो वो ब्रांचिंग भी एंडोजीनस होती है। रूट चाहे कोई भी हो, चाहे वो एडवेंटिशियस हो, चाहे वो मेन प्राइमरी रूट हो, चाहे फाइबरस रूट हो, चाहे कैसी भी रूट हो, रूट में जब भी ब्रांचिंग होगी रूट की ब्रांचिंग हमेशा एंडोजीनस होगी। यहां एंडोजीनस नहीं है, यहां एक्सोजीनस है, दैट्स वाई हम उसे यहां पे अलग नाम दे रहे हैं कि वो राइजोफोरा है। ये कहानी है बेटा इसके पास स्पेशल यहां पे, इसलिए मैंने उसे एडवेंटिशियस रूट नहीं कह सकता बेटा जी यहां पे। ओके, अब वर्ड आता है अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन। आप लोगों ने कहा कि सर सेलेजिनेला के केस में स्पोर की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है बेटा जी हिट्रोस्पोरस। अब पॉइंट आया हिट्रोस्पोरस का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा यहां पे जो स्पोर बनते हैं दे आर ऑफ द डिफरेंट साइज, एक छोटा स्पोर है एक बड़ा स्पोर है। तो वो कैसे डेवलप होते हैं उन वर्ड को जरा समझते हैं। तो मैं अब यहां पे हेडिंग डाल रहा हूं बेटा जी स्पोर फॉर्मेशन, जो आपको समझना है बेटा जी, इसके लिए ज्यादा अच्छा पॉइंट है यहां पे, जिस पे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे आपके कमिंग टेस्ट में बेटा जी। सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन कहां पे होगी, तो आपने कहा सर स्पोरोफिल पे होगी, बट ये स्पोरोफिल कहां पैदा होंगे, ये बेटा जी स्पोरोफिल पैदा होंगे बेटा, उसका कोई फंक्शन नहीं है, उसका वो हवा में हैंग करता हुआ स्ट्रक्चर है, बट ये स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट है। तो ये क्या खास है, ये मैं उसकी लेबलिंग कर रहा हूं कि उसकी क्या लेबलिंग है, हम उसके एनाटॉमी को समझ रहे हैं कि वो अलग सा करेक्टर है यहां पे। उसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई स्पेसिफिक काम के लिए आया हुआ ऐसा नहीं है बेटा जी, हमें वो एक बीच की चीज दिखाई दे रही है कि ना तो वो प्रॉपर स्टेम है ना वो प्रॉपर एक रूट है बेटा जी, वो बीच का स्ट्रक्चर है। हाँ जी, सुनेगा वर्ड को। अब स्पोर फॉर्मेशन जो होती है वो स्पोरोफिल पे होती है। अब इस स्पोरोफिल कहां पे आते हैं, तो मैं कहूंगी स्पोरोफिल हमेशा प्रेजेंट होते हैं बेटा जी ऑन द टिप। जो भी बेटा जी स्टेम होता है या जो उसकी ब्रांच होता है उसका जो टिप का पार्ट होगा ये उस टिप के ऊपर बेटा जी अरेंज होंगे, और जब ये अरेंज होंगे बेटा जी तो ये गुच्छे में अरेंज होंगे बेटा। तो मैं कहूंगा स्पोरोफिल प्रेजेंट एट द टिप मेन स्टेम, मेन स्टेम के बेटा जी टिप पे, और किसी ब्रांच के बेटा जी उसके टिप पे है, और टिप ऑफ
ब्रांचेस, उस ब्रांचेस की टिप पे होता है बेटा जी। अगला पॉइंट, क्लोरोफिल फॉर्म ग्रुप कॉल्ड एज क्लोरोबिलस, या उसे मैं कहूंगा कौन। अब ये वर्ड समझिएगा, सोरस अलग वर्ड था, सोराई उनके लिए यूज हुआ था बेटा जी। यहां पे वर्ड यूज किया है मैंने स्टोरोबिलस, वर्ड यूज किया है बेटा जी कौन, ये क्या है स्टोरोबिलस या स्टोरोबिलाई, ये क्या है? तो याद रखो बेटा जी यहां पे ये क्या है, ये बेटा जी पत्तों का गुच्छा है। अब इसके लिए एक और भी नाम होता है, क्या नाम होता है? ओरेंजियो पेरिस स्पाइक, आप ऐसा कहते हो ना, हमने अपने स्पाइक हेयर कर रखे हैं, हमारे बाल ऐसे खड़े से हुए हैं यहां पे, वैसे बात को समझ के देखो, उसके टिप के ऊपर ऐसा एक स्पाइक निकल रहा है जिसके अंदर बेटा जी बहुत सारे स्पोरेंजियोफेरस, मतलब जिसमें बहुत सारे स्पोरेंजियम बनने वाले हैं। तो मैं कहूंगा स्पोरेंजियम बनने वाले हैं स्पोरोफिल पे, और उन पत्तों ने बेटा जी गुच्छा बना लिया, तो हमने उस गुच्छे का नाम बोला या तो वो कोन है, या वो स्टोरोबिलस है, या फिर वो है बेटा जी स्पोरेंजियोफेरस स्पाइक, ये उसका नाम रखते हैं, वो पत्तों का गुच्छा है। और इसी वजह से सेलेजिनेला का भी एक नाम होता है, वो क्या नाम होता है? स्पाइक मॉस। हम उसके एक और नाम रखते हैं, और नाम क्या रखते हैं बेटा जी? स्पाइक मॉस, ये भी उसका निकनेम है बेटा, जो आपको समझना है। ये निकनेम मैंने आपको दिया है सेलेजिनेला जो जीनस है उसका, बेटा जी मैं आपको निकनेम दे रहा हूं स्पाइक मॉस, क्योंकि उस पर ऐसा स्ट्रक्चर बेटा जी प्रोड्यूस हो रहा है। अब पॉइंट आता है सर, इन पत्तों पे क्या होता है? मैं कहूंगा इन पत्तों के ऊपर बेटा जी दो अलग अलग बेटा जी यहां पे आपका स्पोरेंजियम डेवलप होंगे। फिर एक बात आती है सर, पत्ते में कहां पे डेवलप होगा? तो दो पत्ते का शेप है, एक होता है बेटा जी अबेक्सियल सरफेस, एक होता है एडेक्सियल सरफेस। तो एडेक्सियल साइड में, डोर्सल साइड में तो क्या था बेटा जी? लाइग्यूल प्रेजेंट था, बट ऑन द अबेक्सियल सरफेस पे डेवलप होता है बेटा जी आपका यहां पे स्पोरेंजियम। तो मैं एक वर्ड बोलूंगा बेटा जी, स्पोरेंजियम डेवलप ऑन अबेक्सियल सरफेस ऑफ पोरोफिल। पोरोफिल के बेटा जी वो पैदा होगा अबेक्सियल सरफेस पे, ये पॉइंट आपको समझना है एक तो यहां पे। अगला पॉइंट एक और आता है सर, वो कैसा होता है? तो मैं कहूंगा ये जो भी बेटा जी यहां पे होते हैं उसकी छोटी सी स्टॉक होती है बेटा जो डेवलप होती है। तो मैं एक लाइन बोलूंगा, स्पोरेंजियम इज ए स्मॉल स्टॉक स्ट्रक्चर दैट डेवलप एट द बेस ऑफ लीफ। वो जो भी स्पोरोफिल होता है उसके बेटा जी बेस के ऊपर वो प्रोड्यूस होता है, ये बात आपको समझनी है। यहां पे कंडीशन कैसी है बेटा जी? हिट्रोस्पोरस है, मतलब यहां पे बेटा जी जो स्पोर होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे। एक होगा बेटा जी यहां पे आपका माइक्रोस्पोर, तो बेटा जी एक होगा यहां पे मेगास्पोर। तो जरा उनके बारे में थोड़ी सी बात और जान लीजिएगा। कहानी क्या आती है उसको जरा सुन लीजिएगा बेटा जी। ये सपोज कीजिएगा इसके ऊपर बेटा जी आपका माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होगा, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बेटा सेल बैठी है उसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस सेल में बेटा जी हुआ मियोसिस, तो बेटा जी पैदा हो गया माइक्रोस्पोर। अब मैं मीनाक्षी बेटा जी, मानसी बेटा जी, माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर आपके लिए बना रहा हूं। इसके बाहर बेटा जी ऐसे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और उस कवरिंग का नाम होता है बेटा जी एक्साइम।
इसके बाहर ऐसे अंदर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसका नाम होता है बेटा जी इंटाइन। दो मिनट, बाहर की जो कवरिंग उसका नाम है एक्साइन और अंदर जो कवरिंग होती है उसका नाम होता है इंटाइन। अब होना ये चाहिए था, इस माइक्रोस्पोर को लिबरेटेड हो जाना चाहिए था, बट ये माइक्रोस्पोर वहां से लिबरेटेड नहीं हुआ। तो क्या हुआ, इस माइक्रोस्पोर ने वहीं पे ही पहला डिवीजन किया। एंड क्या बनाया बेटा जी, उसने दो सेल बनाई, एक सेल बनी बेटा जी बड़ी और एक सेल बनी बेटा जी छोटी। जो बड़ी सेल बनती है उसका हम बोलते हैं बेटा जी एंथ्रीडियल सेल। जो एक बड़ी सेल बनी बेटा जी, उस बड़ी सेल का नाम होता है एंथ्रीडियल सेल, और जो नीचे बेटा जी छोटी सेल बनी उसका नाम होता है प्रोथीलियल सेल। याद रखना एंथ्रीडियल सेल होती है लार्ज और प्रोथीलियल सेल होती है बेटा जी स्मॉल। ये होती है बेटा जी रिप्रोडक्टिव सेल और ये होती है बेटा जी वेस्टिटिव सेल। मतलब आगे जाके जो थैलस बनेगा वो बनेगा प्रोथीलियल सेल से, और जो भी बेटा जी एंथ्रीडियम बनेगा वो बनेगा इस सेल से। अब क्या होता है बेटा जी, एंथ्रीडियल सेल डिवाइड अगेन एंड अगेन। और जब वो बार बार अपने आप को डिवाइड करेगी तो क्या बनाएगी, तो मैं कहूंगा बेटा जी टोटल बनाएगी चार, तो बनाएगी बेटा जी यहां पे प्राइमरी एंडोसाइट सेल। मैं कहूंगा चार बनेंगे बेटा जी प्राइमरी, आप वर्ड बोल सकते हो बेटा जी यहां पे एंट्रोगोनियल सेल। आठ बनाएंगे बेटा जी जैकेटेड सेल। अब टोटल सेल गिनो कितनी बन चुकी है, शुरुआत में दो सेल थी, फिर डिवीजन हुआ और एंथ्रीडियल की सेल ने बनाई बेटा जी चार तो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, जो आगे जाके मेल का गैमिट बनाएंगी, और आठ उसने बनाई बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग मतलब जैकेटेड सेल। तो आठ सेल तो ये हो गई, चार सेल ये हो गई, तो आठ और चार बारह, और एक सेल कौन सी बेटा प्रोथीलियल सेल, तो मैं कहूंगा 13 सेल स्टेज। ये वाला स्ट्रक्चर बेटा जी यहां से लिबरेट होगा, और मैं कहूंगा ये बेटा जी आपका निकलता है फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम से। अब ये स्ट्रक्चर बेटा जी निकलेगा, ये डेवलप करेगा मैच्योर मेल गैमेटोफाइट को। निधि बेटा वर्ड को समझना, श्रुति वर्ड में बड़ी गंभीरता को समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको यहां पे कि भाई शुरुआत में हुआ क्या, माइक्रोस्पोर बना स्पोरेंजियम में, इस माइक्रोस्पोर को वहां से लिबरेट हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ लिबरेट, नहीं हुआ मानसीय लिबरेट, वंशिका नहीं हुआ लिबरेट। तो क्या किया इसने कि वहीं पे ही स्टार्ट करता है डिवीजन को और डिवाइड होके दो सेल बना देता है, एक सेल बनती है एंथ्रीडियल सेल, एक बनती है प्रोथीलियल सेल। ये एंथ्रीडियल सेल भी रुकी नहीं, ये भी डिवाइड करती रही, और जब ये डिवाइड की तो उसने बनाई चार तो प्राइमरी एंडोगोनियल सेल और आठ बनाई बेटा जी जैकेटेड सेल, और ये प्रोथीलियल सेल ने डिवीजन नहीं किया, तो टोटल कितनी सेल बन गई, चार और आठ बारह और एक बन गई तेरह। ये जो तेरह सेल का स्ट्रक्चर बना बेटा जी, अब ये स्पोरेंजियम से लिबरेट होगा। तो शुरुआत एक गैमेटोफाइट के बनने की कहां पे हुई बेटा जी, उस स्पोरेंजियम में ही हो गई। ये गैमेटोफाइट जो डेवलप हो रहा है स्पोर से, ये स्टार्ट कर रहा है डिवाइड करना ऑन द स्पोरेंजियम। जो मैं आपसे कह रहा था यहां पे कि यहां पे एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होगा, कि स्पोर अंदर ही ग्रो करेगा जर्मिनेशन को बेटा जी, वो चीज मैंने आपको समझाई। मैंने वहां पे कहा तो कितना ग्रो करेगा, ये वेरिएबल ड्यूरेशन है। तो मैं जब सेलेजिनेला की बात करता हूं तो मैं कहता हूं वो माइक्रोस्पोर बेटा जी 13 सेल का स्ट्रक्चर बनाता है, और वो स्ट्रक्चर बेटा जी वहां से लिबरेट होता है, और फिर ये बेटा जी किसी सोयल में जाके गिरेगा, उस स्पोरोफाइट के आसपास ही जाके बेटा जब ये गिरेगा वहां से टूट के, तो फिर ये पैदा करेगा मेल गैमेटोफाइट को, और इस मेल गैमेटोफाइट में ये जो प्राइमरी एंडोगोनियल सेल है बेटा जी, ये प्रोड्यूस करेंगे बेटा जी आपके यहां पे मेल गैमेट को, प्रोड्यूस करेंगे मेल गैमेट को। तो आपसे कोई पूछे कितने मेल गैमेट कितने स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, तो याद रखना है बेटा जी टोटल स्पर्म यहां प्रोड्यूस होंगे
256 शेप मैंने आपको बताई, वो कैसी होगी? कर्व शेप होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां भी फ्लैजिला का नंबर होगा बेटा जी 2, तो मैं कहूंगा बाइफ्लैजिलेटेड। स्पर्म और मेल गैमेट और एंथ्रोजोइट प्रोड्यूस इन द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में। डाटा याद रखना, 256 बनेंगे ये किससे बने? इन चार प्राइमरी एंडोगोनियल सेल ने प्रोड्यूस कर दिए बेटा जी 256 करोड़ सेप के बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म को प्रोड्यूस किया, मेल गैमेट को बेटा जी उसने प्रोड्यूस किया। काफी ज्यादा टाइम ले लिया, सर वेट कर रहे हैं आपका, तो बोलेगा जल्दी से बेटा जी यहां तक का समझ में आया या नहीं आया? चलो जल्दी से रिप्लाई करो, क्या यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया? ये डाटा आपको याद रखना है, मैंने सिर्फ आपको माइक्रोस्पोर की बात बताई है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्पोर की बात। श्रुति जी समझ में आया? निधि, पारस, निशा, वंशिका जल्दी से रिप्लाई करो भाई, चंचल, तनिष्का, पारोल, ओके 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 चले गए बेटा जी। मैं क्लास को यहीं रोकता हूं, शाम को भेजते हैं एक वीडियो बेटा जी आप लोगों को। ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू। ले भाई 3 सब्सक्राइब उठा दिया।